हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले। हमारे पास है एक रॉकेट और इस रॉकेट को हम इस बोतल में लगाएंगे और इसे ऊपर आसमान में उड़ाएंगे। देखते हैं हमारा ये रॉकेट आसमान में ये ले पाता है कि नहीं ले जाता है, तो हम सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है आपको। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम देखते हैं क्या होता है। अभी तो हमें भी नहीं पता कि रॉकेट ले जा पाएगा या नहीं ले जा पाएगा, तो सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चलिए देखते हैं क्या होता है। इस बोतल में फिट करने वाले हैं और बोतल में फिट करने के बाद हम इसमें लगाएंगे आग। और आग लगाने के बाद आप तो बताइए रॉकेट कहाँ जाता है आसमान में, और आसमान में इस बोतल को ले जा पाता है कि नहीं ले जा पाता, हम सब कुछ देखेंगे। तो गाइस हम इसे इसमें फिट करने वाले हैं। फाइनली गाइस हमारा जो सेटअप था वो बन के रेडी हो चुका है। अब हम देखते हैं क्या होता है इस पर। अभी हमें एक बोतल की और जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों हमारे पास है एक और बोतल, अब हम इसे इसमें ऐसे फिट करेंगे। इसमें ऐसे फिट करने के बाद हम इसमें आग लगाएंगे। आग लगाने के बाद आप देख सकते हैं कहाँ जाएगा, आसमान में इसे ले जा पाएगा या नहीं ले जा पाएगा। तो सब कुछ देखना है आपको इस वीडियो में, बने रहिए अंत तक। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है। गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो रॉकेट यहाँ से उड़ना स्टार्ट हुआ, और देखिए कहाँ पर गया है। तो आइए दिखाते हैं हम आपको। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो रॉकेट है इसमें देखिए कितनी गैस बन चुकी है। उड़ तो पाया लेकिन जाना ऊपर नहीं ले जा पाया है। उड़ा तो है मतलब जाना ऊपर नहीं गया। तो आप देख सकते हैं इसमें से देखिए धुआं अभी भी निकल रहा है इसमें से देखिए क्या। तो गाइस आप सब देख सकते हैं कि हमारा जो रॉकेट है वो हवा में ले जा सकता है इस बोतल को। अगर ये थोड़ा और बड़ा होता तो और ऊपर जाता। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कृपया इसे घर पर करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, गलत भी हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।